हे युवा संत, बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, सावधान हो जाइए, आपको आगाह करता हूँ। जैसे कि नेता लोग आपके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे डोलते हैं, आपका चरण स्पर्श करना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास आपके भक्तों की भीड़ है। उनको लगता है कि ये वोट बैंक है, ये उनको मिल जाएगा। ठीक आज से पिछले 30 सालों से और पिछले 10 सालों तक संत शिरोमणि आसाराम बापू के चरणों में नेता लोग लूटते थे, मतलब चरण स्पर्श करते थे, सिर नवाते थे, और फिर धीरे धीरे अंदर ही अंदर षड्यंत्र हुआ और पिछले 12 सालों से जेल में है। कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं। चलो, ये कानून है, अपना काम करेगा। जय सियाराम, हरिओम। आज मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि ये जो बागेश्वर धाम महाराज हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, इनको कहने के लिए आया हूँ कि सावधान, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम महाराज, थोड़ा सा अपना दिमाग खोल लो, अपनी आंखें खुली रखो। जिस तरीके से आज संत शिरोमणि आसाराम बापू जेल में हैं पिछले 10 सालों से, वो इतिहास कहीं खुद को दोहराए ना। आप तो अभी 121 कन्याओं का शादी करने जा रहे हो तो मुख्यमंत्री आके लूट रहे हैं। शिवराज चौहान मध्य प्रदेश के, इससे पहले कमलनाथ जी आए थे जिनको कि राजस्थान का दोबारा से मुख्यमंत्री बनना है, आपसे आशीर्वाद लेके गए हैं। अभी जो लाखों की भीड़ आ रही है उस सबको वोट बैंक दिख रहा है आप में। आपसे बहुत पहले आपके पितामह होंगे संत शिरोमणि आसाराम बापू। आज से 2008 का एक डाटा दे दूं कि उनके यहाँ से जो पत्रिका निकलती थी, जो उनके गुरुकुल चलते थे, जो उनकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती थी, इस सब का 5000 करोड़ आउटपुट था 2008 में। एक पैसे नहीं किसी सरकारी संस्था से वो लेते थे, कोई राजनीतिक अनुदान नहीं लेते थे। और उनके चरणों में जो लौटने वाले नेता, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, नरेंद्र दामोदर भाई मोदी, कांग्रेसी मोतीलाल बोरा, वो दिग्विजय सिंह, वो आपका जो अभी आपके आश्रम में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये लौटते रहते थे इनके चरणों में। आज तक किसी ने देखा है अटल बिहारी वाजपेयी, जो आज नहीं हमारे बीच, उनको नृत्य करते हुए, नाचते हुए संत शिरोमणि आसाराम बापू के साथ मंच पे वो नाचे थे हजारों की भीड़ के सामने? मैं ये कहता हूं कि आप संत हो, नेताओं के चक्कर में मत पड़ो। बहुत ही लॉजिकल बात बताता हूँ। नेताओं का जो डर है वो बता देता हूँ आपको। उनको लगता है कि लाखों की भीड़ जो इसकी यहाँ आ रही है, जो इसके बात पे एक एक बात को सुनती है, वो कहता है चुप हो जाओ तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, एक सुई गिरा दोगे उसकी आवाज़ सुनाई दे देगी। तो इतना एक ऐसी भीड़ आती है, संतुलित भीड़ आती है, अनुशासित भीड़ आती है। अगर इस संत ने, महात्मा ने कह दिया कि भैया इस पार्टी को वोट दो किसी भी तरीके से, तो जय जय हो जाएगी। लेकिन इस पार्टी के बाद उस पार्टी भी होता है। अगर ये भीड़ हमारे पक्ष में नहीं आई तो अनर्थ हो जाएगा, समझ रहे हो ना आप? तो भीड़ जो संतुलित है, अनुशासित है, किधर भी जा सकती है, उस भीड़ से सभी नेताओं को खतरा होता है कि ये भीड़ अगर मेरे पक्ष में नहीं आई मतदान के लिए तो हमारी हार निश्चित है, हम तो खत्म हो जाएंगे। तो ये भीड़ अगर हमारे पक्ष में आएगी या नहीं आएगी, अगर इसका भी डमाडोल की स्थिति रहती है, तो ये तमाम नेता डरते हैं, अंदर से डरते हैं। और अगर कोई भी षड्यंत्र सामने आता है तो चुप लगा जाते हैं या साथ दे देते हैं, क्योंकि उस संत का मर जाना ही जरूरी होता है। उसके मरने की शुरुआत जेल जाने से होती है, और धीरे धीरे जो उसके साधक होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज करते चले जाते हैं, चुप होते चले जाते हैं। संत शिरोमणि आसाराम बापू के केस में तो ऐसा ही हुआ है ना। वो जो लाखों की भीड़ थी, वो जो उनके शब्द में, उनके वाणी में जो प्रताप था, जो ओजस्वता थी या है, उससे जो करोड़ों लोग उनके अनुयायी हैं, क्या कर रहे हैं? उनकी आश्रमवासी तो चुप हो गए, 10 सालों से जेल में हैं,
एक से एक षड्यंत्र हुआ, अंत में एक लड़की उठ के खड़ी हुई और उनको जेल हुआ। तो जो आज की तारीख में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, वो भी उनके चरणों में लौटते थे, उनके भाषण में तकरीब उनके सत्संग में आते थे, भाषण देते थे, उनके साथ ओम नमो वासुदेवाय गाते थे मंच पे। कहाँ हैं वो लोग? सारे जिंदा हैं, सत्ता में हैं, पावरफुल लोग हैं। मेरे जैसा छोटा सा यूट्यूबर भी इस बात पे गर्व महसूस करता है कि उसके देश का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा है। वहीं शर्म से निहाल भी हो जाता है कि उसके देश का राष्ट्र संत संत शिरोमणि आसाराम बापू जेल में है और षड्यंत्र के तहत है। क्या करें, क्या रास्ता है? सावधान कर रहा हूं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उड़ने की जरूरत नहीं है। जो जो सत्ता आपको हासिल हो रही है भक्तों की, उसमें से एक अर्जुन पैदा करने की है। जो सत्ता हो रही है आप हासिल आपको अनुयायियों की, उसमें से पांडव जो पांच है ना मुट्ठी में तैयार करके रखना है। वो आपके साथ उठें, लड़ें, खड़े हों, साथ चलें। जो आपका सपना है, जो आपकी वाणी है, जो ओजस्विता है, जो आप देना चाह रहे हैं, जब आपके साथ कोई षड्यंत्र हो तो उसके खड़े रहें, बोलें और उस पराकाष्ठा को पार करके भी जाएं जो साधना है आपकी, उसके आगे तक पहुंचे। शास्त्र जी, बागेश्वर धाम महाराज जी, आप भी कहते हैं ना हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, जो भी श्रद्धा से यहाँ आता है सबका स्वागत है। संत शिरोमणि आसाराम बापू भी यही कहते थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के लौटते थे ना पैरों में, क्या हुआ राजस्थान में, वहाँ की अदालतों में शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लौटते थे चरणों में पैरों में, क्या हुआ इंदौर से गिरफ्तार किए गए, 1600 पुलिस गई थी मध्य प्रदेश की। एक छोटा सा कोई मानव नाम का आदमी है ना आपके पीछे खड़ा हो गया कि वो तो धूर्त है, जादू टोना करता है, क्या हुआ देख लिया, सारे मीडिया जो थे ना आपके खिलाफ हो गए, एक एक चैनल पे आना पड़ा, कहना पड़ा, चिल्लाना पड़ा, और ये जादू टोना का आरोप था। सोच लो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी, संत शिरोमणि आसाराम बापू के ऊपर नरबली का आरोप लगा था, कुछ नहीं हुआ। लैंड ग्रैबिंग का आरोप था, कुछ नहीं हुआ। मनी लॉन्ड्री का आरोप था, कुछ नहीं हुआ। एक लड़की उठ के खड़ी हो गई, दुष्कर्म का आरोप लग गया, 12 सालों से जेल में है। और डर सिर्फ इतना था कि ये जो करोड़ों के साधक हैं इसके एक जुबान से अगर वोट में तब्दील हो गई जो हुई, और अब डर है कि अगर बाहर निकल आए और फिर बोल दिया खिलाफ, तो जो प्रधानमंत्री बने हुए मुख्यमंत्री बने हुए देश की सत्ता पे जो काबिज हैं वो कहीं खत्म न हो जाए, कोई नई पार्टी उदय हो जाए, कोई नया हिंदू तो न निकल के आ जाए, डरते हैं लोग। और जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो उन संतों की भी बात करें जिसे कानूनन प्रताड़ित किया गया है। हिम्मत हो तो संत शिरोमणि आसाराम बापू का नाम भी ले सकते हैं, नहीं हिम्मत हो तो बिना नाम लिए तो बोल सकते हैं ना, जो भारत के जेलों में साधु संत हैं उन्हें निकाला जाए तत्काल। बोला था ना पालघर के संत के बारे में आपने बोला था ना, तो मजबूत बनिए, अपनी परिधि जो है आपकी उसको सख्त कीजिए, उसको ऐसा बनाइए वो चक्रव्यूह कि वहाँ कोई दाखिल हो सके आपके अंदर, आपको राजनीतिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सके, आप पे षड्यंत्र नहीं कर सके। अगर ऐसा हुआ तो पांडवों की टीम को तैयार रखिए, जो संत शिरोमणि आसाराम बापू के पास शायद नहीं था, या वो डर गए, मैं डर गए मतलब नहीं था, तो अर्जुन चाहिए। ठीक, चलिए आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और कोई बात हो या ना हो, हरिओम, जो आदान प्रदान है भावनाओं का, आस्थाओं का, वो तो होते रहना चाहिए ना। हरिओम।